हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं मुकेश माता अब तक अपना ट्यूटोरियल एडवांस स्टडी पॉइंट हमने पिछले वीडियो में देखे थे ब्रीथ क्या है, इंट्रोडक्शन देखे थे ब्रीथ के बारे में, हमने जाने थे उसमें, फिर ब्रीथ का परिमाप को भी सॉल्व किए थे, और इस वीडियो में देखने वाले हैं ब्रीथ का क्षेत्रफल, उसके संबंधित कुछ कुछ हमने प्रश्नों को भी हल करने का कोशिश करेंगे। तो ब्रीथ का क्षेत्रफल देखेंगे, ब्रीथ का क्षेत्रफल क्या होता है, ब्रीथ का क्षेत्रफल बराबर ब्रीथ का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला आता है, ब्रीथ का क्षेत्रफल होता है हम लोग कितना पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। हम आपको उस पिछले वीडियो में बता देते, पाई का वैल्यू क्या है निश्चित है, वो क्या पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। उसी को हम लोग अगर क्या करेंगे डिवाइड करेंगे ना, तो हम लोग निकलेगा लगभग 3.14 कुछ निकलता है। तो हम लोग क्या करते हैं पॉइंट के बाद सिर्फ दो ही अंक को लेते हैं। अब देखिए हम लोग इसका फॉर्मूला तो हम लोग जान गए, वृत्त के क्षेत्रफल पर क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको क्वेश्चन में हम लोग क्या यूज करके देखेंगे, तो हम लोग जब निकलेगा तो हम लोग क्या उसका आंसर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे उससे, ठीक है। इसका हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन में, अगर हम लोग कोई क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर दिया है वृत्त का क्या वृत्त का त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या का दिया रहेगा कितना 2 सेंटीमीटर, तो हमें क्या निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। निकालते हैं, दिया है क्या दिया है वृत्त का त्रिज्या, यानी आर इज इक्वल टू कितना दिया है हम लोग का 2 सेंटीमीटर। इसीलिए वृत्त का क्या निकालना हम लोग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई क्या वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, आर यानी कितना त्रिज्या यानी 2 × 2 कटेगा नहीं कटेगा, तो ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे फिर नीचे से डिवाइड कर देंगे, 22 × 2 = 44, 44 दिन कितना 88 88/7, 7 से कटेंगे उसको तो 7 × 1 = 7, 7 × 1 = कितना होगा 7 कितना बचा 8, 7 × 2 = 14.40, 7 × 5 = 35, कितना हम लोग का लगभग 12.5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर जगह क्यों होगा क्षेत्रफल, इसलिए ठीक है ये हम लोग का क्या हो गया आंसर। और एक एग्जांपल लेते हैं, मान के चले हम लोग डी दिया गया कितना, डी हम लोग का है 28 सेंटीमीटर, कितना है 28 सेंटीमीटर, डी इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। अब हम लोग को क्या निकालना है, इसका हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है, हम लिखेंगे क्या डी इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, दिया है डी इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, ठीक है। इसीलिए आर इज इक्वल क्या होता है डी बाई टू, आर इज इक्वल डी बाई टू होता है यानी 28/2 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। जब हम लोग आर तो निकल गया, जब आर निकल गया तो हम क्या निकालेंगे उसका क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या पाई आर का स्क्वायर। पाई क्या वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर यानी 14 × 14 तो हम लोग क्या बचा जाएगी, हाँ आर कितना है 14 यानी 14 × 14, 7 × 7 = 14। अब हम लोग इसको क्या करते हैं सॉल्व मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 4 × 14, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग आंसर निकल आ जाएगा 56 × 6, हासिल कितना हुआ 5, 14 × 56 कितना आ जाएगा 61 सेंटीमीटर स्क्वायर, हम लोग क्या आ गया आंसर आ गया, समझ में आ गया। बस कल पुट कीजिए, अगर आप लोग डी दिया जाएगा तो उसको क्या मिलाना है आर मिलाना है, जब आर में निकल गया तो इसका फॉर्मूला तो ऐसे ही आसान है पाई आर स्क्वायर, पाई क्या वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर यानी जो इसी को आप लोग क्या दो बार मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोगों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर मान के चलिए हम लोगों का क्या अगर परिमाप दिया रहेगा तो क्या करेंगे, परिमाप दिया रहेगा तो परिमाप से क्या निकालेंगे हम लोग आर निकाल लेंगे, फिर आर के बाद क्या निकालेंगे हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये सारा क्वेश्चन हम लोग को क्या पर्सनल वाले में मिलेगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या सिर्फ बेसिक से जानते हैं उसका परिमाप उसका क्षेत्रफल, ठीक है। अभी हम लोग क्या पर्सनल वाले का क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व कर रहे हैं, जब पर्सनल वाले पढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ पे अच्छा से सीखेंगे उसको, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक लीजिए हिंद, और इसका अगला भी हम लोग का टॉपिक रहेगा हम लोग क्या अभी तक पढ़ा, हम लोग ब्रीथ पढ़े हैं, ब्रीथ के इंट्रोडक्शन जाने, फिर ब्रीथ का परिमाप और क्षेत्रफल जाने, अब हम जानेंगे कि त्रिज्याखंड वृत्तखंड, ठीक है, अर्धवृत्त, उसको भी हम जानेंगे इसी सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।